में एक 13 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। बच्ची को घर में अकेली पाकर दरिंदों ने हैवानियत की हद पार कर दी। विरोध करने पर ना तो सिर्फ कैंची से उसके सिर और शरीर को गोद डाला, बल्कि अंदेशा है कि उसके साथ निर्भया जैसी वारदात को अंजाम भी दिया गया। खून से नहाई हुई बच्ची को मरा हुआ समझकर आरोपी बच्ची को वहीं छोड़कर फरार हो गए। खून से सनी बच्ची घिसटकर बाहर आई और पड़ोसियों के दरवाजे तक पहुंची, जिसके बाद बच्ची बेहोश हो गई। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। देश की राजधानी में एक बार फिर दिल को दहला देने वाला यह मामला सामने आया है, जिसके बाद फिर से यह समझ में आ गया कि 2012 निर्भया कांड के बाद भी कुछ नहीं बदला। अब की बार दरिंदों का शिकार एक 12-13 साल की बच्ची बनाई गई है, जिसे निर्भया की तरह अधमरा करके कमरे में छोड़ दिया गया है। नई दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में 12 साल की एक बच्ची का एक अज्ञात व्यक्ति ने कथित तौर पर यौन शोषण किया। पुलिस ने बताया कि घटना मंगलवार की है और पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान है। दरिंदगी का विरोध करने पर ना सिर्फ कैंची से उसके सिर और शरीर को गोद डाला, बल्कि अंदेशा है कि उसके साथ निर्भया जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। खून से नहाई हुई यह बच्ची, जिसको आरोपी मरा हुआ समझकर वहां छोड़कर फरार हो गए। आरोपी का पता लगाने के लिए पुलिस पड़ोसियों के पास पूछताछ करने के साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने कहा कि उन्हें घटना की सूचना मंगलवार शाम को मिली। पड़ोसियों ने पीड़िता को खून से लथपथ देखने के बाद पुलिस और उसके माता पिता को इसकी सूचना दी। पीड़िता को पास के ही एक अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे एम्स के लिए रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। जिस कमरे में परिवार रहता है वह बिल्डिंग 3 मंजिल की है, जिसमें छोटे छोटे करीब 25 कमरे बने हुए हैं। पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच में सामने आया कि जिस समय यह घटना हुई उस समय बच्चे के माता पिता घर में मौजूद नहीं थे। पुलिस के मुताबिक उसके माथे और चेहरे पर किसी धारदार चीज से कई वार किए गए हैं। आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि आरोपी की पहचान करने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं इस मामले के संबंध में दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को नोटिस जारी किया है और घटना को लेकर 8 अगस्त तक विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट तलब की है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.